हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग मैलाकाइट ग्रीन के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में काफी टाइम्स पूछे जा चुके हैं। हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस में भी आपका मैलाकाइट ग्रीन है, तो यहाँ पर हम लोग इसका सिंथेसिस देखने वाले हैं कि एक्चुअल में मैलाकाइट ग्रीन को जो है वो कैसे बनाया जाता है। काफी सारे स्टेप्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे विथ मैकेनिज्म, देन लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मैलाकाइट ग्रीन का फॉर्मेशन होता है। सो गाइस, ये जो मैलाकाइट ग्रीन है वो एक प्रकार का डाइस है और इसका काम जो है वो उन कपड़ों या फिर कागज को रंगने के काम आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैलाकाइट ग्रीन से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स भी लिखा हुआ है जो कि इस रिएक्शन से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है वो हम लोग ये लिखे हुए हैं कि इस रिएक्शन में जिसका सिंथेसिस होना है तो इसमें हम लोगों ने कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन ही बता देती हूँ, देन ये जो थ्री पॉइंट्स है वो भी आप लोग जो है वो आसानी से लिख लोगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग मैलाकाइट ग्रीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के वन मॉलिक्यूल लेना है और बेंजल्डिहाइड के वन मॉलिक्यूल का रिएक्शन हमें डाईमेथिल एनिलीन के साथ कराना है। तो देखिये, यहाँ पर डाईमेथिल एनिलीन के टू मॉलिक्यूल हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, लिख लिख के आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिये, यहाँ पे क्या क्या लिया हम लोगों ने, बेंजल्डिहाइड के वन मॉलिक्यूल का रिएक्शन डाईमेथिल एनिलीन के टू मॉलिक्यूल के साथ हम लोग कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, मतलब संघनन अभिक्रिया होता है और संघनन अभिक्रिया होने के बाद वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो H2O, तो यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने -H2O लिखा हुआ है। और H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और सारा प्रोडक्ट जो है वो आपस में इस तरीके से जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको CH से जो है वो दोनों रिंग को अटैच करना है, बट यहाँ पे H2O जो है वो बाहर निकल चुका है। तो इस तरीके से कुछ नया कंपाउंड यहाँ पर शो हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं रंगहीन ल्यूकोबेस। तो समझ आया फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या क्या हुआ। तो देखिए, इसी चीज को हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। थ्री स्टेप मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, यह बेंजल्डिहाइड को कंसेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में डाईमेथिल एनिलीन के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंसेशन करके जो है वो बनाया जाता है, मतलब संघनित करके बनाया जाता है। उसके बाद हमको रंगहीन ल्यूको बेस मिलता है, ल्यूको यौगिक मिलता है। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ आप लोगों को, बहुत ही इजी है। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन आपको डाईमेथिल एनिलीन के टू मॉलिक्यूल के साथ कराना है, कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर होगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है और हमको एक नया कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रंगहीन ल्यूको बेस। यहाँ तक आपको समझ आएगा गाइस। अब देखिये, सेकंड स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब हमको क्या करना है, ये जो रंगहीन ल्यूको बेस है उसका ऑक्सीकरण करना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है, किसके प्रेजेंस में हम लोग इसको ऑक्सीकरण करेंगे, एसिटिक एसिड और PbO2, मतलब लेड ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकृत करके इसे हम लोग रंग बेस बनाएंगे। देखिए, पहले ये रंगहीन बेस था, अब हम लोग इसको रंग बेस बनाएंगे। तो रंग बेस कलर बेस बनाने के लिए हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे H के साथ जो है वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो CH, तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे C के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपका बन जाएगा OH। OH जैसे यहाँ पे होता है तो ये आपका रंग बेस जो है वो यहाँ पर बनता है। तो सेकंड स्टेप आपको यही करना है, क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन करना है, रंगहीन ल्यूको यौगिक बनता है, इसे HCl युक्त एसिटिक अम्ल में लेड ऑक्साइड से ऑक्सीकृत करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल रंग बेस जो है वो मिल जाता है। अब देखिए, लास्ट स्टेप आप लोग देखिए, जो हम लोग को कलर बेस मिला है उससे हम लोग कैसे मैलाकाइट ग्रीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो लास्ट स्टेप जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिये, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो रंग बेस आपका जो कलर बेस बना हुआ है, जो कंपाउंड बना हुआ है, उसको हम लोग HCl के एक्सिस के साथ जो है वो हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे HCl जो है वो यूज करेंगे, आधिक्य में इसका जो है वो हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे आपको पता ही है HCl में जो है वो H+, H में जो है वो प्लस चार्ज होता है, Cl में जो है वो माइनस चार्ज होता है। तो ये जो आपका H+ है वो इस OH- के साथ, OH आयन के साथ जो है वो OH के साथ जो है वो जुड़ जाएंगे और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल अगेन यहाँ पे जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये जो है H+ है वो OH के साथ जो है वो जुड़ करके H2O का मॉलिक्यूल बना करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे C में ये जो आपका OH था वो H2O के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल गए हैं, बचा ये Cl-। तो ये जो आपका Cl- है वो कहाँ पर आकर के अटैच होगा वो हम देखते हैं। तो ये जो Cl है वो इस N के साथ जो है वो आकर के जुड़ेगा। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर जो आपका बॉन्ड दिख रहा है वो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिससे सी के बीच जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, शिफ्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर सी के साथ जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा और एन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सीएल में निगेटिव चार्ज है, तो एन जो है वो सीएल जो है वो यहाँ पर आकर के इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे और ये जो सेकंड वाला है वो तो एज इट इज रहेगा और बन जाएगा आपका मैलेकाइट ग्रीन। तो समझ आएगा इस आप लोगों को मैलेकाइट ग्रीन का फॉर्मेशन हम लोगों ने कैसे किया। जो जो स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को लिखना है, लास्ट स्टेप यही है। ऑक्सीकृत करने के पश्चात हमको कलर बेस मिलता है जो HCl के आधिक्य के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको मैलेकाइट ग्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो समझ आया, आप लोगों को बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ नया डाइस लेकर के आएंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।